तो हेलो नमस्ते अस्नारंग में सत श्री अकाल केम छो ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है। टीवी वाला बिग बॉस ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहाँ पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए और छुट्टी हो गई, मेरी नहीं हम सब की। ये कोरोना COVID-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, ख़त्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे, फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, पूरा परिवार है, हमारी अम्मी हैं, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस COVID-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है। अब हमने कुछ वेजिटेबल्स के लिए हमारे एक बहुत ही अजीज़ करीबी दोस्त को पास में ही 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में भेजा राशन खरीदने के लिए। तो आजकल पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पास तो था उनके पास गाड़ी का, तो वो गए, उनको पुलिस ने रोका। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास्क निकाल लिया। तो पुलिस वाले ने कहा उनसे कि ये मास्क पहनो, दूर हटो और ये मास्क पहनो। तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया। यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहानी बयान की और मैंने उनसे कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और नहायत ही बेवकूफ़ी की चीज़ की, दिमाग से निकल गया है। सोचा कि बात कर रहा हूँ तो मुंह दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है।
और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे। खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहां पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है। नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो? अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और कोरोना वायरस भी। अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रुप्स में दोस्त यारों के साथ, तो पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। आपको क्या लग रहा है इसमें कि पुलिस वालों को मजा आ रहा है? किसने रोका आपको राशन लेने में? जाओ ना, किसने रोका है खाने पीने का सामान लेने? जाओ घर, तुरंत आ जाओ, पास में जाओ। किसने रोका है? मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, अकेले जाओ। गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र, कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो, ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता, इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा।
मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अति उठाओगे, इतना जिगर है आप। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो, और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्ला है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो, पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद।